कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक डरावने रूम में अकेली बैठी होती है, जिसकी दीवार पर कुछ खून के निशान भी होते हैं और वहां कील पर कुछ बाल भी लगे होते हैं, मानो कि किसी का सर उस दीवार पर मारा गया है। इसके बाद हम उसी लड़की को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जिसका नाम मौली होता है। तभी हॉस्पिटल में टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि एक लड़की 10 साल से गायब हुई है और वो अभी तक नहीं मिली है। तभी पास में बैठा एक आदमी मौली को अजीब तरह से देख रहा होता है। तभी डॉक्टर उसे बुला लेती है। डॉक्टर मौली का चेकअप करती है और मौली अपनी आर्ट यूनिवर्सिटी में चली जाती है, जहां यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सभी बच्चों के साथ मौली को एक आर्ट बनाने के लिए देते हैं। जब मौली आर्ट बनाती है तभी वहां पर उसका दोस्त ल्यूक आ जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। आर्ट क्लास खत्म होने के बाद मौली ल्यूक के साथ चली जाती है। तभी बाहर हम मौली के और भी दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम जोई और टोबी होता है। वो सभी एक दूसरे से मिलते हैं जिसके बाद वो सभी घूमने के लिए चल देते हैं। तभी रास्ते में टोबी गाड़ी को रोकता है और एक घर की तरफ जाता है जो पूरी तरह से बंद होता है। ये देखकर टोबी वापस अपनी कार में आ जाता है और वो दोबारा से घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा घर दिखता है। अब रात ज्यादा होने से वो सभी उस घर में रहने चले जाते हैं, लेकिन उस बड़े से घर का दरवाजा बंद होता है। टोबी की गाड़ी में कुछ औजार रखे होते हैं जिससे वो उस दरवाजे का लॉक तोड़ देता है। तभी जोई उन्हें अंदर जाने से मना करती है, लेकिन टोबी उसे अपने साथ ले जाता है। उस घर में जाने के बाद टोबी गेट पर लॉक लगा देता है और चाबी रख लेता है। वो घर काफी डरावना होता है, जिसे देखने के बाद वो सभी एक रूम को सजाकर वहीं पर बैठ जाते हैं और गेम खेलते हुए बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद टोबी टॉयलेट के लिए बाहर जाता है, जहां उसे वाटर लीकेज की आवाज आने लगती है। टोबी उस लीकेज को ठीक करने लगता है, पर तभी उसकी टॉर्च वहीं पर गिर जाती है जिससे वहां पर अंधेरा हो जाता है। तभी वहां पर जोई टॉर्च लेकर आ जाती है और तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इधर मौली और ल्यूक दोनों वहां पर अकेले बैठे होते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन तभी वहां पर टोबी और जोई आ जाते हैं। मौली और ल्यूक को लगता है शायद वो आवाज इन दोनों की ही थी। फिर वो सभी ड्रिंक करके एक दूसरे से बात करते हैं। तभी उन्हें ऊपर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। टोबी खड़े होकर पास में रखी अलमारी को खोलता है जिसमें से कई सारे कपड़े निकलते हैं। जोई उन कपड़ों में से एक हैट पहनकर मस्ती करने लगती है। तभी मौली देखती है कि उन सभी कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। जोई जल्दी से उस कैप को उतारती है और काफी डर जाती है। जोई और मौली उस घर से निकलने के लिए बोलते हैं, लेकिन टोबी कहता है कि अब वो इतनी रात में कहां जाएंगे, इसीलिए वो यहां पर सुरक्षित हैं। जिसके बाद वो सभी सो जाते हैं। तभी रात में मौली को उल्टी आने लगती है। करने के बाद जब वो दोबारा सोने जाती है तो उसे नींद नहीं आ रही होती। टोबी मौली से कहता है कि वैसे भी अब सोने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सुबह हो चुकी है, तो हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। टोबी सभी लोगों को उठा देता है और सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन उस घर का मेन डोर बंद होता है जिससे उन सभी को लगता है कि टोबी उनके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जब टोबी को उस लॉक की चाबी नहीं मिलती तब उन्हें डर लगने लगता है। जोई टोबी से कहती है कि अगर हम रात में यहाँ से चले जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता। टोबी गेट को खोलने के लिए अपने टूल ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलते, जिसके बाद वो सभी वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन सभी दरवाजे और खिड़की लोहे से बंद कर रखे होते हैं। जब वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो दीवारों और सीढ़ियों पर खून और नाखूनों के निशान होते हैं, जिसे देखकर पता चलता है कि यहाँ पर पहले भी कोई आ चुका है। तभी यहाँ पर जोई के पैर में चोट लग जाती है, जिससे मौली जोई को दिलासा देती है। उसके बाद वो सभी मदद के लिए अपने फोन चेक करते हैं, लेकिन उनके फोन उन्हें नहीं मिलते। फिर वो सभी दोबारा से वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। रास्ता ढूंढते वक्त उन्हें एक रूम दिखता है। उन सभी को लगता है कि शायद घर का ऑनर इसी रूम में रहता है। टोबी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो उस रूम में चले जाते हैं जहाँ पर 4 लोहे की कुर्सी रखी होती है। वो सभी वहां से वापस आ जाते हैं। फिर टोबी कील और लकड़ी से एक हथियार बनाता है। मौली टोबी से कहती है कि शायद तुम हमें यहाँ फंसाना चाहते हो क्योंकि तुम ही हमें यहाँ पर लेकर आए थे। टोबी मौली से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो कोई भी है वो हमें मार देगा, इसीलिए हमें अपने बचाव के लिए हथियार बनाने होंगे। फिर ल्यूक और टोबी एक खिड़की के पास जाकर जोर जोर से हेल्प मांगने लगते हैं। उस खिड़की में एक होल भी होता है जिससे वो बाहर देखता है, जहाँ एक पुलिस वाला उनकी गाड़ी के पास खड़ा होता है। टोबी जोर से उसे आवाज लगाता है, लेकिन उस पुलिस वाले को कुछ नहीं सुना
सुनाई देता। तभी उस रूम में कोई गैस लीक कर देता है, जिससे वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन गैस की वजह से वो सभी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो नोटिस करते हैं कि टोबी उनके साथ नहीं है। वो जोर जोर से टोबी को आवाज लगाते हैं, लेकिन उन्हें टोबी का कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम टोबी को देखते हैं, जिसे अभी भी होश नहीं आया था। तभी पीछे से एक आदमी आकर टोबी का मुंह बंद कर देता है। इधर मोली एक रूम का दरवाजा खोलती है, जहां पर उनके लिए कुछ अंगूर रखे होते हैं। फिर वो सभी टोबी को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन टोबी उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें कंटेनर भी दिखता है, जिसके अंदर मीट के 3 पीस रखे होते हैं, जो उस आदमी ने उन तीनों के खाने के लिए रखे थे। तभी ल्यूक मोली और जोई से कहता है कि यहाँ पर कोई न कोई ऐसा रूम होगा जहाँ पर टोबी होगा और हमारे मोबाइल फोन्स भी, इसीलिए हमें जल्द से जल्द वो रूम ढूंढना होगा। पर काफी कोशिश करने के बाद भी उन्हें टोबी नहीं मिलता। फिर जब वो दोबारा उस रूम में आते हैं, तब वहाँ पर जोई की चोट को ठीक करने का सामान रखा होता है। मोली उस सामान का इस्तेमाल करके जोई के पैर पर सिलाई करके उस पर पट्टी बांध देती है। तभी ल्यूक काफी निराश हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर हम सब मारे जाएंगे। गुस्से में ल्यूक अलमारी को तोड़ने लगता है। उसे लगता है कि शायद इसके पीछे कोई रास्ता होगा, लेकिन उस अलमारी के पीछे कुछ नहीं होता, वहाँ पर भी एक दीवार होती है। तभी मोली को याद आता है कि ऐसी ही एक अलमारी ऊपर वाले फ्लोर पर भी है, जहाँ पर जोई को चोट लगी थी। वो सभी उस अलमारी को हटाते हैं, जिसके पीछे एक बड़ा सा होल होता है। ल्यूक जब उस होल के अंदर देखता है तो उसे वहाँ पर टूटे हुए दांत, औजार, बाल और खून दिखाई देता है, जिसे देखकर ल्यूक बहुत डर जाता है। वो मोली और जोई को बताता है कि ये रूम खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं है। वो उनसे झूठ बोलता है ताकि उन्हें ये सब देखकर डर ना लगे। जब वो वापस नीचे जाते हैं, तब ल्यूक आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां तोड़ लेता है। मोली खिड़की से बाहर की तरफ देख रही होती है ताकि कोई मदद मिल जाए। इधर जोई बहुत घबरा जाती है। जोई ल्यूक से कहती है कि शायद तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो उस होल के बारे में, बताओ तुमने उस होल के पीछे क्या देखा था। फिर ल्यूक मोली और जोई को बता देता है कि उसने होल के पीछे औजार, टूटे हुए दांत और बाल देखे थे। दूसरी तरफ हम टोबी को देखते हैं, जिसे अब होश आ चुका था। तभी वो अपने आप को एक बेड से बंधा हुआ पाता है और वो आदमी एक बक्से में से कुछ औजार निकालता है और टोबी के पास आकर उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद ल्यूक और मोली दोनों अपने बचाव के लिए हथियार बनाने लगते हैं। पूरी तरह से तैयार होने के बाद वो जोई के पास जाते हैं, लेकिन जोई कहीं पर भी नहीं होती। जोई उन दोनों को बिना बताए उस रूम में चली जाती है। अचानक से जोई को कोई अपनी तरफ उस होल में खींच लेता है। जोई की आवाज सुनकर ल्यूक और मोली जल्दी से वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वो आदमी उस गेट को बंद कर लेता है। मोली और ल्यूक वहां पर टोबी की कुछ फोटोज देखते हैं, जिसके बाद हम जोई को देखते हैं, जिसे उस आदमी ने बेड से बांध रखा होता है। और वो आदमी जोई के सामने ही टोबी की एक आंख निकाल लेता है। टोबी बहुत चिल्लाता है, पर वो आदमी फिर भी उसकी आंख निकाल कर एक जार में डाल देता है। फिर वो आदमी जोई के पास जाता है और उसकी कुछ फोटोज लेने लगता है। फिर वो आदमी उसके पैर की पट्टी हटाने लगता है और उसे काटने जा रहा होता है। जोई जोर जोर से चिल्लाकर उसे बहुत मना करती है, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ मोली को दीवार पर कुछ ड्रॉइंग्स बनी हुई दिखती है, जो एक दीवार की तरफ कुछ इशारा कर रही होती है। जब मोली उस दीवार से ईंट हटाती है तो उन्हें एक पर्स मिलता है, जो कि उसी लड़की का था जिसे हमने शुरुआत में न्यूज में देखा था। उस पर्स में कुछ चाबियां होती हैं। इधर वो आदमी जोई का पैर काटने वाला होता है। तभी ल्यूक और मोली उन चाबियों का इस्तेमाल करके घर की सारी लाइट्स बंद कर देते हैं। फिर वो आदमी बाहर आता है तो मोली और ल्यूक उस आदमी पर अटैक कर देते हैं और अपने हथियार से उसे मारने लगते हैं। लेकिन जब वो उसके कपड़े हटाते हैं तो उन्हें उसकी पीठ पर टैटू देखकर पता चलता है कि उन्होंने गलती से टोबी पर हमला कर दिया है। तभी वो आदमी पीछे से आकर ल्यूक और मोली को बेहोश कर देता है। जोई अपने आप को छुड़ा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ वो आदमी आकर उसके पैर काट कर फेंक देता है। फिर मोली को होश आता है और वो उस आदमी को सोल के दूसरी तरफ खड़ा हुआ देखती है और रोने लगती है। मोली जल्दी से उठकर सीढ़ियों की तरफ जाती है और उनमें से कुछ लकड़ियां तोड़ लेती है ताकि वो उस आदमी पर हमला कर सके। तभी मोली को बहुत प्यास लगती है, इसलिए मोली उस कंटेनर में से एक बर्फ के टुकड़े को उठाकर
जाकर खाने लगती है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है और मौली को मारने लगता है। वो आदमी मौली को बेड पर बांध देता है। मौली जोर जोर से चिल्ला रही होती है तो वो आदमी उसके मुंह पर कपड़ा बांध देता है। जैसे ही वो मौली का दिल निकाल रहा होता है तभी सीढ़ियों की तरफ से कुछ आवाज आती है जो कि उन्हीं लकड़ियों की थी जो मौली ने सीढ़ियों से निकाली थी। आवाज सुनने के बाद वो आदमी ऊपर की तरफ जाता है। तब तक मौली अपने आप को छुड़ा लेती है और जब वो आदमी नीचे आ रहा होता है तो उसका पैर सीढ़ियों में फंस जाता है। मौली उस पर हमला करके उसकी चाबी लेकर वहां से भाग जाती है। जब मौली बाहर जा रही होती है तो उसे कई सारी फोटोज दिखती हैं, जिसमें जोई और टोबी की फोटोज भी लगी होती है। मौली को उसमें डेजी की भी फोटोज दिखती हैं, जिसके बारे में न्यूज में बताया गया था। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे ल्यूक मिलता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। मौली उसे किस करके वहां से चली जाती है। मौली मेन डोर के पास आ जाती है और चाबी से उसे खोलने की कोशिश करती है। कई सारी चाबियां होने की वजह से मौली को गेट खोलने में दिक्कत आती है और वहां उस आदमी को होश आ जाता है। फिर वो भी ऊपर की तरफ आने लगता है। मौली उस आदमी का शोर सुनकर छुप जाती है। जब वो छुप रही होती है तो उसे कुछ न्यूज आर्टिकल दिखते हैं, जिससे मौली को पता चलता है कि ये आदमी वर्ल्ड वॉर के टाइम का एक पागल सर्जन है। थोड़ी देर बाद मौली दोबारा से उस लॉक को खोलने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो आदमी वहां से चला गया है। लेकिन तभी वो आदमी पीछे से आकर उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे एक रूम में बंद कर देता है, जहां पर एक अजीब सी लड़की भी होती है जो कच्चा मांस खा रही होती है। ये वही लड़की होती है जो हमें न्यूज में दिखाई गई थी, जिसका नाम डेजी था, जो 10 साल पहले लापता हो गई थी। लेकिन अब वो एक कैनिबल बन चुकी थी जो इंसानों का मांस खाती है, और इसी वजह से वो आदमी उन लोगों का मांस काट कर उस लड़की को खिला रहा था। तभी आखिर में वो लड़की मौली को भी खाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।